नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्ती टाइम 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। यहां हम आपको दिखाएंगे हर राज्य से जुड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और खबरों को शेयर करें और लाइक करें ताकि हर खबरों की अपडेट सबसे पहले मिले। गांव गुढ़ा में कच्चे रास्ते को गांव से पक्का बनाने की मांग को लेकर कर रहे धरना ग्रामीणों ने बीडीपीओ कनीना पर हठधर्मिता करने का लगाया आरोप। गांव गुढ़ा के ग्रामीणों ने बीडीपीओ कनीना के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों ने कहा रास्ते के निर्माण को लेकर जल्द ही बीडीपीओ कनीना के खिलाफ देंगे डीसी और सीएम को शिकायत। कनीना खंड के गांव गुढ़ा में एससी बस्ती से होकर गुजरने वाले कच्चे रास्ते को पक्का बनाने की मांग को लेकर दर्जनों ग्रामीण धरने पर बैठ गए। ग्रामीण शेर सिंह, हरफुल सिंह, अमर सिंह, हंसराज, प्यारेलाल पंच, मुकेश कुमार पंच ने बताया गांव गुढ़ा में मीठे पानी की टंकी से होकर कच्चा रास्ता दुलौठिया की ढाड़ी होते हुए राजेंद्र के कुएं तक जाता है। रास्ते पर ऐसी बस्ती के सैकड़ों घर पड़ते हैं। रास्ता कच्चा होने के चलते लोगों को निकासी में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और पानी निकासी में भी दिक्कत होती है। ग्रामीण अमर सिंह, दलीप सिंह, राजकुमार मनकोर, रामकुमार और आदि बहुत सारे ग्रामीणों ने बताया कि इस रास्ते के लिए पंचायत के प्रस्ताव पर बीडीपीओ कनीना के निर्माण के लिए निर्माण का बजट भी पास कर दिया, लेकिन रास्ते के निर्माण का कार्य गांव से शुरू न करके खेत में बने कुओं से किया जा रहा है। जबकि गांव के इस रास्ते के नजदीक लगने वाले एससी बस्ती के साथ साथ रहने वाले आबादी का इस कच्चे रास्ते में भरे कीचड़ से निकलना दूभर हो गया है, जहां ग्रामीण अब धरना देने को भी गंदगी को छोड़ के ना और साथ के लिए आगे से बना रहा है, छोड़ रहा है साथ के लिए पीछे से छोड़ रहा है और विशेष एक व्यक्ति के लिए बना रहा है ये जीरो। मैं गांव गुढ़ा से हंसराज, एक रास्ते के लिए हम सभी बेले हुए हैं। इस पर ये रास्ता हरिजन बस्ती से होते हुए हम एक रास्ते के लिए यहाँ बेड़े हुए हैं। रास्ते का आप हाल देख रहे हो, ये हाल बहुत बुरा है। ये सरपंच यहाँ इस रास्ते में बीच से बना रहा है। हम केवल ये चाहते हैं कि ये स्टार्टिंग है वहाँ से बन के और एंड तक जाए। इसमें लगभग 22 लाख रुपए का बजट पास हुआ है और सरपंच एक आदमी के कारण निजी के लिए वो वहाँ से बीच में बनाना चाह रहा है इसको। इसके लिए हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि ये रास्ता शुरुआत से बन के और एंड तक जाए।